सरगुजा विश्वविद्यालय अंबिकापुर में आज राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ द्वारा NSSC प्रमाण पत्र परीक्षा 2018 संपन्न हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में बाह्य परीक्षक के रूप में डॉक्टर SR ठाकुर स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई की उपस्थिति में आज संपन्न हुई। इस सी प्रमाण पत्र परीक्षा में 85 स्वयं सेवकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में स्वयं सेवकों का 100% उपस्थिति रही। यह कार्यक्रम कुलपति रोहिणी प्रसाद एवं कार्यक्रम समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना डॉक्टर अनिल सिन्हा सरगुजा विश्वविद्यालय अंबिकापुर के सहयोग से संपन्न हुआ। और डॉक्टर रोहित बरगाहर राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी सीतापुर ने परीक्षा एवं अनुशासन व्यवस्था में सहयोग प्रदान किया। सीतापुर से रोशन सोनी की रिपोर्ट, क्लिपर 28। सर, आप बताएंगे कि आज NSSC प्रमाण पत्र के संबंध में अपने विचार देंगे। NSS में सी प्रमाण पत्र एक गौरवपूर्ण परीक्षा होती है और सरगुजा विश्वविद्यालय में इसके लिए हमने इसके पंजीयन के लिए अगस्त सितंबर से ही जो है इसकी मांग की जाती है कि किन किन बच्चों को, महाविद्यालयीन छात्रों को जिन्होंने बी प्रमाण पत्र उत्तीर्ण किया है उनको सी में पंजीकृत करना है। ऐसे छात्रों की जब सूची आ जाती है तो उनको पूरा दिशा निर्देश विश्वविद्यालय जारी करता है कि आपको परियोजना प्रतिवेदन किस किस तरह से किन किन विषयों पर बनाना चाहिए। तो ये पूरा सिनॉप्सिस एक बना करके मोटे तौर पर एक गाइडलाइन जो है वो महाविद्यालयों को भेजा जाता है। उसके आधार पर वर्ष भर ये जो छात्र होते हैं, जो विशिष्ट छात्र होते हैं अपने संस्था के, ये किसी एक गाँव को केस स्टडी बना करके NSS के टॉपिक को लेकर के, कोई भी सेवा कार्य को लेकर के, ये सभी लोग वर्ष भर अपना 120 घंटे का जो प्रोजेक्ट वर्क है उसको पूरा करते हैं और उस प्रोजेक्ट वर्क से जो निकले हुए जो उनके निष्कर्ष होते हैं उसको लिपिबद्ध करके, उसको लिख करके, उसको टाइप करा करके और एक परियोजना प्रतिवेदन वो विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करते हैं। इस परियोजना प्रतिवेदन के माध्यम से सी प्रमाण पत्र जो प्राप्त होता है उसके 2 सोपान होते हैं हमारे विश्वविद्यालय में। एक तो होता है कि इनकी जो परियोजना प्रतिवेदन होती है उसका मूल्यांकन कराया जाता है और दूसरा स्टेप जो होता है उस परियोजना प्रतिवेदन के जो दूसरे पार्ट होते हैं अंक के, वो वाइवा के होते हैं। तो 2 परीक्षक से यह परियोजना प्रतिवेदन जो है गुजरता है उनके सामने से और तब जा कर के किसी एक विद्यार्थी को जो NSS का स्वयंसेवक है उसको सी प्रमाण पत्र की पात्रता प्राप्त होती है। तो ये उसी की आज यहाँ पर परीक्षा थी। ये पिछले 1 महीने से इसकी प्रक्रिया विश्वविद्यालय में चल रही थी गोपनीय रूप से और आज इसके साक्षात्कार का ये जो सेशन था इसमें सभी यहाँ पर 85 छात्रों ने, छात्र छात्राओं ने, विश्वविद्यालय के सभी लगभग बहुत सारे महाविद्यालय, जितने जिले हैं यहाँ पे 5 जिले हैं, उनके कुछ प्रमुख महाविद्यालयों के छात्रों ने इसमें सहभागिता की है और मुझे उम्मीद है कि सब ने बहुत अच्छा यहाँ पे सहभागिता दी। हमारे जो एक्सटर्नल आए हुए थे बाह्य परीक्षक, वो विश्वविद्यालय के समन्वयक हैं तकनीकी विश्वविद्यालय के भिलाई के, वो आकर के उन्होंने इस पूरे परीक्षा का कंडक्ट किया है। डॉक्टर SR ठाकुर साहब ने बड़े मनोरंजक ढंग से भी और शिक्षाप्रद ढंग से भी इस साक्षात्कार को यहाँ पे कंडक्ट किया है और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे छात्रों को इसमें सफलता मिलेगी। मुझे नियुक्ति पत्र प्राप्त हुई कि यहाँ पर सी सर्टिफिकेट के लिए एज ए एक्सपर्ट आना है, एग्ज़ाम लेना है। मैं आज सुबह उपस्थित हुआ, लगभग 85 जो हमारे स्वयंसेवक थे सी सर्टिफिकेट के लिए तैयार, उनका मैंने एग्जामिन किया। सी सर्टिफिकेट के लिए मौखिक परीक्षा ली। लगभग 50% बच्चे बहुत ही अच्छे पाए गए जिन्होंने बड़े संतोषप्रद उत्तर मेरे को दिए। बाकी बच्चों ने भी अच्छा उत्तर दिया। जिन लोगों ने कुछ उत्तर में थोड़ा सा कमज़ोर उत्तर था उनको हमने सही उत्तर बताने का प्रयास किया। ओवरऑल जो रेटिंग है बच्चों की इसी सर्टिफिकेट की वो बहुत अच्छी पाई गई और चूंकि ये ओपन वाइवा था इसलिए इसको मैंने इस प्रकार से किया था कि जो भी जानकारी यहाँ पर मेरे द्वारा या बच्चों के द्वारा दी जा रही है ये जानकारी सभी बच्चों को हो और इससे सारे बच्चों का ज्ञान बढ़ा है, उनकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव हुई है। अब मेरे ख्याल से इस प्रकार का वाइवा से मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ और बच्चे भी काफ़ी खुश होकर यहाँ से गए हैं। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.